हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग। होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ कहीं होंगे मजे में। अचानक मैं अभी पहुंचा था, संडे का दिन था, मरीन ड्राइव पे। जी हाँ, मरीन ड्राइव पे आप लोग को हर दिन कुछ ना कुछ खास देखने को लिए मिलेगा। कभी फूड स्टॉल हो गई, कभी चाय स्टॉल हो गई, कुछ नई अंदाज में। और इस साइड आप लोग देख सकते हो झूला भी है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये सारे आप लोग को मरीन ड्राइव के ऊपर में जितनी स्टॉल है वो सभी स्टॉल देखने पे मिल जाएगा। लेकिन मरीन ड्राइव के जस्ट नीचे में आप लोग को काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। ग्रेजुएट चाय वाली वायरल हुई थी और उन्होंने भी चाय का भी बिजनेस किया था और उनको बहुत सारी तकलीफें भी झेलनी पड़ी। लेकिन और जो है लड़कियाँ वो मेहनत जो करनी भूली नहीं है। चाय ग्रेजुएट चाय वाली की कितनी परेशानी हो जाए, काफ़ी लड़कों के बीच इतना हौसला नहीं होती है, लेकिन इन लड़कियों की भी इतनी हौसला होती है जो ये अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, खुद का स्टॉल चला सकते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे तो लिखा हुआ है सामने सामने क्या लिखा हुआ है, तेरी यादें में। अच्छा, तेरी यादें, तेरी यादें में चाय ठंडी हो जाती है। अच्छी लाइन लिखी हुई है, तेरी यादों में चाय ठंडी हो जाती है। तेरी याद में खोकर मेरी चाय ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो आप एक बात ये पूछना चाहेंगे, ये कैसे आपके मन में कैसे आया जो हम ये चीज़ का शुरुआत करते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं अपना बिजनेस, थोड़ा इसके बारे में। अभी बता रहे थे जो अभी हम चाय का स्टॉल स्टार्ट किए हैं और इससे आगे हम मस्तानी पिज्जा के नाम से स्टॉल लाने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये चाय बना रहे हैं, यहाँ पे दूध है और जो इसमें डाला जा रहा है, एक छोटी सी गैस है और गैस के ऊपर चौकिया सी रखी हुई है चाय जिसमें बनती है। चाय इधर चाय चीनी मिल जाएगी, चाय पत्ती मिल जाएगी, इधर चीज भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस साइड आप लोग देख सकते हो कुल्लर वाली जो कप होती है वो भी कप भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इस साइड जो देख सकते हैं आप लोग चाय जिसमें डालते हैं वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आइए और इनसे जानते हैं इनके मन में कैसे ये कंसेप्ट आया और ये अपना वो भी मरीन ड्राइव पे स्टार्ट कर दिए, जो कि हर किसी की बात नहीं होती है। दोस्तों आइए इनसे अभी थोड़ा बहुत बात करते हैं। क्या हुआ सर, आइए चाय पी लीजिए। किलो दूध का चाय बना लीजिए, चाय 20 किलो बना लेते हैं ना। और ये मैं करती हूँ 5-6 घंटे में, 4-5 घंटे में। हाँ, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसकी वजह से मेरा मस्तानी पिज्जा आने वाला है। और ये आपके दिमाग में कैसे आया विडो तो चाय का स्टॉल करना चाहिए? और ये भी इससे पहले मैं जॉब करती थी, मेरे को लगा यार छोटा सा अपना ही करो, जॉब करना मतलब जॉब सही था लेकिन ये नहीं था कि अपना उसमें कर सकते, कई घर जाना और छुट्टी लेके जाओ, तो ऐसा नहीं मेरे को सही था। थोड़ा दबाव टाइप का लगता था। हाँ, दबाव टाइप का लगता था। और फिर मैंने वीडियो देखी यहाँ पे बिहार में, मुझे लगा यार यहाँ पे तो कॉम्पिटिटर से सपोर्ट मिल रहा है, मैंने सोचा यही से चलिए कुछ चाय का ही करते। वो ग्रेजुएट वाली मैम है, प्रियंका। हाँ, मैंने देखा कि वो भी कर रही है, कि नहीं कर सकती डेली व्यू। आपको लगता है जो प्रियंका गुप्ता से डेली व्यू? हाँ वो भी है, लेकिन यहाँ के लोग भी काफ़ी। आप एक्चुअली कहाँ से हो? मैं एमपी रीवा से, विदाउट एस। तो ये बिहार में आके आगे एमपी से बिहार प्रॉब्लम होती है करोगे उसमें हर एक चीज में प्रॉब्लम है, इसलिए अगर उसमें डटे रहोगे तो बोलोगे कि मैं सर ये हो गया ये हो गया, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है। तो आप मध्य प्रदेश रीवा में क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ भी मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, पढ़ाई और जॉब भी। किस चीज़ में जॉब कर रही सकते हैं? अभी ये चाय का स्टॉल मरीन ड्राइव पे आप मैम से बात किए और दिखाए इनका कैसे चाय का स्टॉल जो है शुरुआत की है, और शुरुआत से इन्होंने बताया जो हम कैसे मध्य प्रदेश से आकर और अपने बिहार में इस चाय का बिजनेस स्टार्ट किया। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं और भैया लोग जो है चाय पीने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं चाय पीने? गया सर। और मरीन ड्राइव देखे, भीड़ देखने के बारे में न्यूज में भी आया था। हाँ, देख लिया जाए कैसा चाय का टेस्ट है, बोरिंग होती है। अच्छा, किसी से भी पता किया बोलना है राजा चाय। यहाँ भी देख लिया कि थोड़ा सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट भी, टेस्ट में बेस्ट होगा तभी तो आदमी आएगा ना। जी जी, इसीलिए सोचे कि। और इस तरह की कंसेप्ट अभी हमारी लड़कियों कर रही थी, इनसे आप
बहुत 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 अच्छी बात है इसमें तो, बहुत तो आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। लड़का और लड़की क्या होता है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो सर उसको प्रेरित करे और प्रशासन से इन लोगों को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा वातावरण न क्रिएट हो यहाँ पे, ताकि इन्वॉल्वमेंट ना हो जाते उन लोगों को लगे कि हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे पिछलों में अभी भैया लोग बहुत दूर दूर से आए हुए चाय पीने के लिए, इसमें बहुत सारे आप लोग कहाँ से आए हैं देख सकते हैं भैया जी खा गए चाय पीने के लिए। अच्छा मरीन ड्राइव पे घूमने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऊपर में फूड वूड खाते हुए नीचे ढुल गए चाय पीने। अच्छा बहुत अच्छा, आप कहाँ से? आप लोग कहाँ से? अच्छा पीछे बैट बल्ला रखे हुए मैच खेल के आ रहे हैं। कहाँ? गांधी मैदान। अच्छा वहीं से। और अभी कलकत्ता में है ना, अभी मरीन ड्राइव पे आए थे घूमने के मेनू देखने के लिए मिल जाएगा, इलायची टी, चॉकलेट टी, जिंगर टी, मसाला टी, पुदीना मैजिक टी, ये सारे आप लोग को इधर प्राइस भी देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस 12 रुपीज़ लिखा। अरे भैया लोग प्राइस भी अच्छा, कहाँ से आना चाहते हैं? पटना से। पटना से आएगा तो इधर देख सकते हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा आपको क्या कैसा लगा? अच्छा और क्या कहना चाहिए? पहले भी आते पीछे। अच्छा ये दूसरा तीसरा बार आप आए हैं ना? वाह लग रहा है जो अच्छी चीज़ें हैं। और इनका दुकान लगभग लगता है कि यही 10 दिन से खुला है। अच्छा 10 दिन से खुल रहा है ना। अच्छा इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है? पटना में तो मतलब चला रही है। जी जी चलाती है जी जी। चाय की क्वालिटी और अच्छी है जो कि लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, उस साइड भी आप लोग देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना बल्लम्बा करते हुए हम वीडियो में थोड़ा बहुत और उनसे बात करते हैं और जानते हैं चाय बारे में। अच्छा ये चाय का बिजनेस आप स्टार्ट किए तो कहाँ तक ले जाए? आगे मतलब इस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिलने वाले तो अच्छा कुछ और चाय का जैसे हाथ लगाए कुछ देख सकते हैं। अभी हम और संजय जी चाय ले लिए, क्या कर रहे हैं? कैसा टेस्ट लग रहा है? बढ़िया 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 है ना। दोस्तों देख सकते हैं चाय भी हम भी टेस्ट किए, काफ़ी अच्छी टेस्ट है दोस्तों। और नई स्टार्टअप या नई स्टार्टअप के लिए अच्छी चीज़ें हैं चाय का। हम यहाँ पे आप लोग को चाय का स्टॉल पूरा दिखा रही है। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।